उमा भारती अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलने लगी हैं। उनका दर्द फूट फूट कर बाहर आ रहा है। इस बार तो उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ने के ऐलान के साथ साथ ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनते ही बीजेपी की सियासी जमीन हिल गई। समर्थकों से अंतिम बार मिल रही हूँ, शायद ये मेरी आपसे विदाई है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द लिए कार्यकर्ताओं के बीच बैठी उमा भारती सुबह सुबह कर ये कह रही हैं कि ये कार्यकर्ताओं से उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अब वो यहाँ नहीं आएंगी, अपने गांव में ही समय बिताएंगी। बस उमा भारती के इसी बयान ने घर से लेकर बाहर तक बवाल खड़ा कर दिया। न सिर्फ बीजेपी सोचने को मजबूर हो गयी बल्कि उनके समर्थक भी सदमे में आ गए। दरअसल उमा भारती अपने भोपाल वाले आवास पर समर्थकों से मिली और उसे अंतिम मुलाकात बता दिया। भावुक होकर उमा भारती कहती नजर आई, शायद ये मेरी आपसे विदाई है। 17 से 21 जनवरी के बीच कभी भी अयोध्या जाऊंगी, इसके बाद अपने गांव में रहूंगी। मुझे लग रहा है कि शायद सबसे अब मैं अंतिम बार विदा ले रही हूँ। उमा भारती के इस बयान ने उनके समर्थकों के साथ साथ बीजेपी को भी हिलाकर रख दिया है और सवाल उठ रहा है कि क्या उमा भारती राजनीति से संन्यास लेने वाली है। क्यों? क्योंकि अब उमा भारती बीजेपी की एक ऐसी फायर ब्रांड नेता रही है जो बोलती हैं तो धर्म विरोधियों के छक्के ही छुड़ा देती हैं। हाल ही के चुनाव में भी उमा भारती ने अच्छे अच्छों को सबक सिखा दिया, हिंदुत्व के कार्ड को ऐसे भुनाया कि अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी के झोली में आ गिरा। उमा भारती को आखिरी वक्त तक पीएम मोदी से काफी उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या, खेल, वही खेल जो शायद बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज झेल नहीं पाए। अनदेखी की लिस्ट में शिवराज, वसुंधरा राजे ही नहीं है, इस लिस्ट में उमा भारती का भी नाम सबसे आगे आ रहा है। और इसी अनदेखी का नतीजा है कि आज उमा भारती आंसू बहा रही हैं, दर्द दिखा रही हैं, मध्य प्रदेश की जमीन पर वापस न आने की कस्में खा रही हैं। उमा खुलकर तो नहीं बोल रही, लेकिन आंसुओं के जरिए जो इशारा दे रही हैं, उससे बीजेपी काफी सदमे में आ गई है। वहीं उमा भारती को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी खास तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि उमा भारती राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। इसलिए उमा भारती साफ शब्दों में राम मंदिर आंदोलन पर भी कुछ कहती नजर आई और कहा कि किसी एक के प्रयास से राम राज्य नहीं आएगा, राम राज्य लाना है तो सबको साथ आना होगा। उमा भारती अब खुलकर बीजेपी को आईना दिखाने वाला बयान दे रही हैं और बीजेपी को वो वक्त याद दिला रही हैं जब जरूरत पड़ी तो उमा भारती का पार्टी में पूरा फायदा उठाया गया, पूरा सम्मान हुआ, मुख्यमंत्री तक बना दिया। और जब दूसरे नेताओं को मौका देने का वक्त आया तो पुराने चंद नेताओं को दरकिनार कर दिया। इसी का नतीजा है कि अब उमा भारती भरे मंच पर रो रही हैं और तो और भावुक होकर मध्य प्रदेश न लौटने की बातें कर रही हैं। खैर, सियासी तौर पर ये बयान क्या मायने रखता है, जल्द साफ हो जाएगा। खैर, इस बयान ने बीजेपी में खलबली काफी बढ़ा दी है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।